उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान एक संकल्प पारित किया गया है, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को पंचायती राज विभाग को दिए जाने का संकल्प पारित हुआ है। एक संकल्प पारित हमने किया, इसमें जो हमारे 29 विषय हैं, ये पंचायतों को हैंडओवर किए जाएंगे, जिनमें कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वनीकी और फार्म वनीकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, ग्राम आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। उत्तराखंड विधानसभा में खिलाड़ियों के हित में एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को 5,400 ग्रेड पे व अन्य ग्रेड पे पर सीधे नौकरी दिए जाने के विधानसभा पटल पर हरी झंडी मिल गई है। उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय, जो कि खिलाड़ियों को 4% का क्षैतिज आरक्षण देता है, यह बहुत ही लंबे समय से खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों के द्वारा और युवाओं के द्वारा प्रत्याशित रूप से वे इसका इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे आज बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में, सहयोग के साथ में और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल टेबल हुआ और टेबल होने के साथ ही कल उसका पारण हो गया। तो मैं मानती हूँ कि अब यह बिल कानून का रूप लेगा और हमारे खिलाड़ी बच्चों को 4% का आरक्षण उनको नौकरियों में प्राप्त होगा। विधानसभा सत्र का चौथा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। सत्र की कार्यवाही के दौरान जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रताप नगर में कुछ दिन पहले सीएससी चौंडण जिला अस्पताल में चिकित्सक ना होने की वजह से हेरवाल गांव की 2 गर्भवती महिलाओं की रास्ते में मौत का मामला सदन में तेजी से गरमाया, जिस पर क्षेत्रीय विधायक विक्रम सिंह नेगी ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होने का आरोप लगाया। देखिए, जो प्रताप नगर की घटना हुई, वो घटना सच में काफी दुखदायक घटना थी। और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहां पे 3 डॉक्टर अनुपस्थित, वो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी और सीएमओ ने जो भी आख्या दे रखी है शासन को, उसके जो है आज हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 3 डॉक्टर एक ही दिन में अनुपस्थित थे और उनको जवाब भी मांगा गया था। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जब 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज फ्री हो चुका है, 1 लाख से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं का जो जच्चे बच्चा होते समय हम उनको हॉस्पिटल लाते हैं और फिर घर तक छोड़ते हैं, वो भी निशुल्क सेवा है हमारे राज्य में। लेकिन कतिपय जो घटना आई है उसका आज हमने संज्ञान लिया है और उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई जरूर की। मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूँ, वहाँ 9 डॉक्टर की स्वीकृति है और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वहां 1 भी डॉक्टर तैनात नहीं। अब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई से नहीं चलने वाला। सच्चाई तो है, इस प्रदेश के लिए चैलेंज है, इस प्रदेश के लिए ये गंभीर समस्या है कि पहाड़ों पर डॉक्टर, जब उत्तर प्रदेश था तब टिहरी जैसे जनपद में पूरे डॉक्टर होते थे और आज उत्तराखंड बनने के बाद डॉक्टर नहीं है। सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की और खासकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करे,
जिससे गांव घर में रहने वाला माता बहन गरीब लोगों को इलाज मुहैया हो सके। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में सत्ता पक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। नियम 58 पर भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के उद्यान घोटाले, लोकायुक्त समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने उद्यान विभाग में पिछले 4 साल से हो रहे घोटालों के मुख्य आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया। प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही है और सरकार उसमें निश्चित रूप से जो है अपने आप को एहसास भी पाती है और ये भी जानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उससे कैसे बचा जाए। इसके दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक उद्यान विभाग में, क्यों भाई, जब भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार को संस्तुति करनी चाहिए थी ना, सीबीआई जांच न्यायालय कर रहा है, सरकार क्यों नहीं कर रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। उत्तराखंड की सितारगंज पुलिस ने आगामी चुनाव को लेकर बढ़ते नशे को रोकने के लिए सतर्क नजर आ रही है। वहीं सितारगंज पुलिस ने सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोठा के बनई कुआं के जंगल में अवैध शराब बनाने वाली भट्टी समेत 9600 लीटर लाहन नष्ट किया। वहीं सितारगंज पुलिस शराब बनाने वाले तस्करों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है।